बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर वो भाई लोग के लिए जो सऊदी अरब में स्मार्टफोन चलाते हैं। मैं इसलिए बहुत ही 3 बार बोला हूँ कि जो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों की वीडियो को थोड़ा सा देखने के बाद फ़ौरन शेयर करना है उन लोग के साथ जो सऊदी अरब में आपके फ्रेंड लोग हैं, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए हम डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ में या किसी भी कंट्री में अगर हमें स्मार्टफोन है मेरे पास और स्मार्टफोन है तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा लोगों को जो मेरे अंदर शायद गल्फों में सबसे ज़्यादा टेंशन ये होता है कि मेरा फ़ोन जो है कहीं हैकिंग तो नहीं हो रहा है। ये हैकिंग किस तरह होता है, क्या होता है और हैक होने के बाद क्या क्या होगा मोबाइल के साथ और मोबाइल से क्या डाटा चुराया जाता है, नहीं चुराया जाता है और इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है *#62#, ये डायल करेंगे आप अपने कॉलिंग पैड पे। डायलिंग पैड पे डायल करेंगे तो आपके सामने से इस टाइप से लिस्ट आ जाएगी कि आपका डाटा जो है कहाँ कहाँ फॉरवर्डिंग हो रहा है, डाटा फॉरवर्ड हो रहा है, कॉल फॉरवर्डिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट नंबर स्कैनिंग हो रहा है, डिटेल्स आपकी स्कैनिंग हो रही है, A to Z सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। मेरे पास तीन ऐसे मोबाइल हैं जिस पर मैंने एक कोड चेक किया, तीनों के डाटे हैक हैं, यानी आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हो रही है, कॉल फॉरवर्डिंग और टैक्स और कॉन्टैक्ट, उसके बाद आपको फैक्स, ये सारी चीज़ें हैं जो फॉरवर्डिंग है। इससे क्या नुकसान होगा हमारा, इस पर हम बात करेंगे और सबसे पहले हम इसमें और इसको रिमूव कैसे करते हैं इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। इसको इससे नुकसान किया है फॉरवर्डिंग, हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं हमको पता ही नहीं कॉल फॉरवर्डिंग क्या होती है। कॉल फॉरवर्डिंग ऐसे एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर अगर हमारा सिम कार्ड बंद है तो कॉल फॉरवर्डिंग, अगर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग है, कॉल फॉरवर्डिंग से आपको नुकसान क्या है ये हम बताएंगे। अगर कॉल फॉरवर्डिंग से कोई भी अगर चाहे तो आपका जीमेल का डाटा हैक कर सकता है, ईमेल हैक कर सकता है, ईमेल हैक करने के बाद आपका डाटा आराम से बैकअप ले सकता है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, हैकरों के लिए तो नॉर्मल सी बात है, शायद आप लोगों को ये हम लोगों को लगता है इजी नहीं है, पर कोई भी आपका डाटा बैकअप डाटा ले सकता है। जब बैकअप डाटा ले लिया तो आपका व्हाट्सअप का भी पूरी चार्ट वो ओपन कर सकता है, आपकी गैलरी की पूरी A to Z सारी चीज़ें उसके उसके सिस्टम पे ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ हमको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सब बहुत ही सिक्योर चीज़ होती है जो नॉर्मल इंसान हम लोग जैसे इंसान के लिए नॉर्मल होती है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो भी सकता है, पर ये होता है। आपके शायद आपने कई बार सुना होगा, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरे मोबाइल से मैंने कहीं कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं किया, कोई छेड़छाड़ भी नहीं किया, उसके बावजूद मेरे अकाउंट से 1500 रियाल का निकल गए थे, जबकि मैंने सिर्फ एक लिंक आई थी, लिंक को क्लिक किया था, उसके बाद मेरा पूरा सिस्टम जो डाटा मेरा पूरा मोबाइल ही हैंग कर लिया गया था। बहुत ही ईजी प्रोसेस, मुझे पता भी नहीं चला लोगों ने हैक कर लिया, अब हैकरों ने हैक कर लिया, तो ये सारी चीज़ें। तो इस पर इंशाल्लाह मैं और किसी दिन डिटेल्स में बात करूँगा, इस पर मैंने बात भी की थी एक बार वीडियो यूट्यूब पे शॉर्ट में बात की थी, डिटेल्स में बात नहीं की। तो आज आप कैसे पता करें कि आपका मोबाइल हैक है कि नहीं, चलिए हम इसमें स्क्रीन पे चलते हैं और आपको सारी चीज़ बताते हैं कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका डाटा हैक है या नहीं, और अगर हैक है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। और मेरे अंदाज से शायद सऊदी अरब में शायद 80 से 85% लोगों का ये, इससे नुकसान आपका क्या होने वाला है। आप अगर किसी को मान ली कॉल कर रहे हैं तो कॉल मान ली अगर आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हो सकता है सिस्टम के थ्रू आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है, हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट बुक में कोई ऐसा नंबर है जिसे वो निकाल सकते हैं, फैक्स, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैकिंग हो रही जो आप लोगों को कैंसिल का भी तरीका है इसको हम बताएंगे। चलिए होम स्क्रीन पे चलते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा क्या क्या हैक हो रहा है, अगर आपका हो रहा है तो किस तरह चेक करना है, इसे रिमूव कैसे करना है, सारी चीज़ों पर हम होम स्क्रीन पर चल के बताएं। सबसे पहले एक काम, स्क्रीन पर जाने से पहले एक काम ज़रूर कीजिए, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे करके क्लिक कीजिए, इससे आपका नुकसान कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भी इसी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएंगे जिससे आप लोग का फ़ायदा हो, आप लोग उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है जिसके बाद आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम अपनी होम स्क्रीन पर चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम अब आ गए हैं अपनी होम स्क्रीन पर और यहाँ सबसे पहले आपको कॉलिंग का जो आपको एप्लीकेशन होता है उस पर क्लिक करना है, सो आपको यहाँ प्रेस करना है *#62# डायल, देख सकते हैं वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग है, उसके बाद फैक्स फॉरवर्डिंग है, उसके बाद से हमारा जो कॉन्टैक्ट बुक है सारी चीज़ें फॉरवर्डिंग है, यानी हम मोबाइल में कोई नंबर सेव करते हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। मेरे पास तीन मोबाइल हैं, तीन दोस्तों के मोबाइल, सबके मैंने चेक किया, HTC लिब्रा और उसके बाद से जैन, सब पे फॉरवर्डिंग लगी, जबकि ऐसा किसी ने ना, आपने ना मैंने, हम लोगों ने ऐसा कोई एप्लीकेशन ओपन किया ही नहीं है, ना ही हमने अपने मोबाइल में से सेटिंग में से इसको ओपन किया, उसके बावजूद भी फॉरवर्डिंग लगा हुआ है।
इसे रिजेक्ट कैसे करेंगे, चलिए हम इसको आपको बंद करके बताते हैं। इसका नुकसान जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अगर इच्छा है, जो नंबर आपको दिख रहा है, लोग चाहें आराम से हमारे कॉन्टैक्ट बुक में से सारे कॉन्टैक्ट नंबर को स्कैन कर सकते हैं लोग। इसके बाद हमारे वॉइस को आराम से इन लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर हम कोई भी खुदा ना खासा ऐसी कोई बात करते हैं इन लोग आराम से पता कर लेंगे। उसके बाद से हमारे जितने भी अगर चाहें तो हमारे डाटा को करना है, जीमेल को हैक करके हमारे बैकअप डाटा ले सकते हैं। बैकअप डाटा लेने के बाद हमारे व्हाट्सएप, हमारा पूरा मोबाइल उनके सिस्टम पे ओपन, तो हमको इसको लाजमी क्लोज करना चाहिए। और सऊदी अरब में तो खास करके आप लोगों को पता है कि लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनका स्मार्टफोन हैक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हैकिंग का चांसेस होते हैं, या और भी अदर कंट्रियों में। मैंने इंडिया में चेक कराया तो इंडिया में ना के बराबर है, इसके अंदर जो केसेज आए हैं ना के बराबर केसेज आए हैं। बहुत कम ऐसे दोस्त यार, मैंने उनसे पूछा, उनको नंबर भी दिया, उन लोगों के मोबाइल में बहुत कम है, यानी 10 को भेजा तो जिसमें से 2 ही को नहीं मिला, 8 को वहाँ सब कुछ नो फॉरवर्डिंग। पर सऊदी अरब में जितने भी मैंने चेक किया सबके पे लगा है फॉरवर्डिंग। चलिए इसे डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं ये बताते हैं हम। यहाँ ####6#2# कॉलिंग करेंगे, देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। फिर इसको मौके करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ##6262#, चेक करेंगे, सारा डाटा क्लियर हो गया। तो आप भी इसी तरह अगर आपके मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग हैकिंग है, या फिर आपके कॉन्टैक्ट स्कैनिंग है, या फिर आपके फैक्स हैकिंग है, या फिर आपके डाटा हैकिंग है, तो आप उसको इसी तरह रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे कोड आते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे कोड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग, चाहे फैक्स फॉरवर्डिंग, चाहे आपके कॉन्टैक्ट बुक को अगर स्कैनिंग किया गया है, यानी हैकिंग किया गया है, तो आप उसको इस तरह रिमूव कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक रखिए बेहतर ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।